कणक का दाना खा लेंदा तू, सुख का कदी नसा लेंदा तू। मेरे वांग कंगाली हुंदी, घर दी खस्ता हाली हुंदी, तेरे घर ना हुंदे दाने, आंदी तेरी अकल टिकाने। मजदूरां नाल दिहाड़ी करदा, सोते वेले घर तू वड़दा, छोटे छोटे बच्चे हुंदे गल चगे ना कच्चे हुंदे, खान लत्तां नूं फड़दे रब्बा, रोटी रोटी करदे रब्बा। मेरी आंखें किसी अंधे को ना देना यारो, मिल गई उसको बिनाई तो मर जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी कौम का साहिब अजब ये अलमिया है, कहीं ये देखती कम है, कहीं ये सोचती कम है। नाजीन, शुरू अल्लाह पाक के बबरकत और खूबसूरत नाम से, जो खूबसूरती के तमाम तर पैमानों से भी खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती का इदराक अगर इंसान अपने हवासे खमसा से भी करना चाहे तो वो नामुमकिन है। नाजीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलमिया और मैं हूँ ताहिर चुराही। नाजीन, आज हम मौजूद हैं समंदरी शहर में और हमारा आज माइंड कुछ और था कि हम समंदरी का जो लारी अड्डा है उसकी सफाई के हवाले से प्रोग्राम करें, लेकिन हमने देखा कि एक समंदरी का ऐसा गोहर, एक ऐसा शायर जो बहुत बहुत बड़े मुशायरे उन्होंने खुद अरेंज किए, मुशायरों के जीनत बनते रहे, और नाज ख्याल भी जैसे शायर, जो बड़े बड़े अनवर मसूद जैसे शायर, उनके साथ उन्होंने मुशायरे पढ़े, लेकिन आज मैंने देखा है कि वो यहाँ पर एक स्टाल लगा कर खड़े हुए हैं, छलियाँ बेच रहे हैं। मैं हैरान रह गया कि इतना अनमोल हीरा आज ये क्या नौबत आ गई कि वो आज एक स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गया। मैंने इनको देखा कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत कलाम लिखते हैं, इनके बहुत सारे अशार, बहुत सारी गज़लें जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम हैं। आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़िंदगी ने ये अचानक कैसे मोड़ ले लिया। नाज़रीन, उनकी कहानी सुनेंगे आज, उनकी ज़ुबानी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वो शायर जिनको लोग अदबी लोग जो हैं वो महबूब आलम जोगी के नाम से जानते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि वो इधर समंदरी लारी अड्डा के करीब स्टॉल लगाकर खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अचानक ये ज़िंदगी में कैसा मोड़ आ गया, मतलब इतना अच्छा शायर और बहुत सारी इनकी गज़लें जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या कि आप माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े मुशायरे खुद आपने अरेंज किए, लेकिन ये अचानक ये कैसे मोड़ आ गया आपकी ज़िंदगी? मेरे भाई आप रहने दें, प्लीज आप रहने दें। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, मेरी बात सुने, आप मुझे अपना काम करने दें सर। काम ये देखें, हम आपके पास आए हैं, थोड़ा सा बताएं ताकि ये जो मतलब बहुत बहुत बड़े इक्तदारों में बैठे हुए हैं, जो हमारी हुकूमत जो है वो तब्दीली के नारे लगाती है, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे कोरोना के मास्क उतर रहे हैं, आवाम की आंखों से जो इन्होंने चश्मा लगाया था तब्दीली वाला वो भी उतर है, तो क्या कहेंगे ये अचानक कैसे ये मोड़ आ गया जिंदगी में, बताएं आप। मेरे भाई मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि बहरों की अंजुमन में मत गा दर्द की गजल, अंधों को मत दिखा गिरे बां फटा हुआ। सर ये हमने देखा है कि आपकी शाहाना लाइफस्टाइल, कोई 25-25, 30-30 लोग आपका इंतज़ार किया करते थे कि महबूब आलम जोगी साहब आएँ, हम बैठ के उनके साथ चाय पिए, लेकिन अचानक ये कैसे मोड़ आ गया, थोड़ा बताएं हमारी नाज़रीन को। बेहतर तो यही था कि आप रहने देते। नहीं नहीं सर, ये हम जानना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी कि ये अचानक कैसे हो गया सारा कुछ। तबीयत खराब हो गई थी, अरसा 2 साल तकरीबन बीमार रहा हूँ, और कारोबार जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, छोटी सी दुकान थी किराने की, वो ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी के लिए निकला हूँ, इधर लगाता हूँ छलियाँ, अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क देने वाला है, वो दे रहा है। अच्छा सर, जो आला इवानों में बैठे हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि आप शायर हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी शायरी के हवाले से उन तक कोई मैसेज पहुँचाना चाहें तो प्लीज़। बकौल शायर मैं तो यही कहूँगा कि बहरों की अंजुमन में मत गा दर्द की गज़ल, अंधों को मत दिखा गिरे वहाँ फटा हुआ। तो पंजाबी में दरअसल मुझे इन लोगों से, किसी तंजीम से कोई गिला शिकवा नहीं है, डायरेक्टली मैं तो अपने खुदा से गिला करता हूँ। सर मैं तो यही कहूँगा कि रब सोने की रजा है, वो मर्जी है, जिथे चाहे उत्थे रहना पैदा है। बहरहाल मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि किसी तंजीम या किसी इदारे नाल मेरा कोई गिला शिकवा नहीं बनता, डायरेक्टली अल्लाह सोने नाल आके
बुए बारियां ढो लैना वा, कला बह के ढो लैना वा। तू ते अपनी खेड खिलारी मत गई है साड़ी मारी, घर चो आटा मुक्का रहिंदा सा हर वेले सुक्का रहिंदा। यार दे नाल तू खुशियां माने, हाल गरीब दा तू की जाने। ओनू अपने कोल बुला के सीने दे नाल सीना ला के तू तेरी जान ला लिया ने, कुट कुट जफियां पा लिया ने। सानू देवे तंगी रब्बा, ये ते गल नहीं चंगी रब्बा। आदम हवा भोले पाले करके रब्बा काले माले बिश्तां विचों कढ़िया सी ते धरती उत्ते छड़िया सी। गल मेरी सीधी साधी इहदे विच शर्म एका दी, तू गरीबी वेखी हुंदी अपनी बाल के सेकी हुंदी। किसे दे नाल तू इंजना करदा कोई बंदा ना भुखा मरदा। तेरी उच्ची शान है रब्बा, तेरा कुल जहान है रब्बा। किसे नू डोब किसे नू तार, पावे भुखा दे नाल मार। पर गल एक तेनू आखां होर, सोची समझी करके गौर। कणक दा दाना खा लैंदा तू, सुख दा कदी ना सा लैंदा तू। मेरे वांग कंगाली हुंदी, घर दी खस्ता हाली हुंदी। तेरे घर ना हुंदे दाने, आउंदी तेरी अकल टिकाणे। मजदूरां नाल दिहाड़ी करदा, सोते वेले घर तू वड़दा। छोटे छोटे बच्चे हुंदे, गल चगे ना कच्चे हुंदे। आन लत्तां नू फड़ दे रब्बा, रोटी रोटी कर दे रब्बा। तू अल्लाह मैं तेरा बंदा, कली माफ जो बोलिया मंदा। तैनू अपना जान के मौला, पा बैठा सी जोगी रौला। ए ओ शायर ने असी देखिया खुद के बहुत बहुत बड़े मुशायरे इन्होंने खुद अरेंज किए। नाज ख्याल भी जिन्हों का कलाम तुम ही गोरख दंदा हो, वो उन्होंने लिखा। उनके साथ इनके बेशुमार मुशायरे, अनवर मसूद साहब जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनके अक्सरों बेशतर मुशायरे चलते रहते हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत सारे मुशायरे पढ़े। तो आज अचानक ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया। बल्कि इस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने लिखा था कि मेरी आँखें किसी अंधे को ना देना यारो, मिल गई उसको बिनाई तो मर जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो आला ईवानों में बैठे ये दावे किया करते थे कि हम गरीब आदमी का सोचेंगे, गरीब आदमी को तहफ़ देंगे, गरीब आदमी को रोज़गार देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर गरीब का दर्द दिल रखने की बात की जाए तो निदामत इस कदर बढ़ जाती है कि आदमी को मुंह और सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, ना ही कोई जगह मिलती है। सर क्या आप समझते हैं कि अचानक ये ज़िंदगी में, मैंने देखा कि आपका शाहाना लाइफस्टाइल, और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप शायर हैं, कोई पंजाबी गजल में या नज़म में क्या मैसेज देना चाहेंगे आला ईवानों में जो बैठे हमारे हुक्मरान हैं? मेरी गल दा गुस्सा ना कर, चंगे मुंह नूं गुस्सा ना कर। रिश्वत लैनी चंगी नहीं हो, इन्हें बनना संगी नहीं हो। गुरजा वाले विच कबर दे, वेखी तेरा कीमा कर दे। तोड़ के तेरे अंग जालमा, पुट्ठा देणगे टंग जालमा। मुंज दे वांगू कुट देणगे, दोज़ख दे विच सुट देणगे। सारे जानन मरना एक दिन, रब दा सामना करना एक दिन। फिर भी सीना जोरी हुंदी, हर थां रिश्वत खोरी हुंदी। दिन दिहाड़े डाके वजदे, कई रातां नूं झुग्गे भजदे। मैरिट उत्ते कम जे होवे, फिर ना कोई भी बंदा रोवे। कोई किसे दा हक ना खावे, रिश्वत खोरी जे मुक जावे। ते बाल गरीब दे पढ़ सकदे ने, बाल गरीब दे पढ़ सकदे ने, खूब तरक्की कर सकदे ने। चंगा चोसा खाण नूं होवे, लीड़ा लत्ता पाण नूं होवे, गड्डी छड्डण आवे जावे, ट्यूशन भी एक मिस पढ़ावे, खुला खर्चा पल्ले होवे, हर थां बल्ले बल्ले होवे। इम्तहान जे सिर ते आवे, किसे नूं चार रुपये लावे, अपनी थां ते उहनूं भावे, पेपर सारे हल करावे। ते जे ना इंज दा बंदा लब्भे, मत्थे जा नगरान दे लगे, उहदे नाल मुकावे गल, पेपर यार करा दे हल। मैं लाउणी आ बूटी छूटी, अखां मीट के करी ड्यूटी। मैं लाउणी आ बूटी छूटी, अखां मीट के करी ड्यूटी। मुँह मंग रुपये किन्ने, छेती दस फिर दईए किन्ने। माड़ा इंज नहीं कर सकदा, ओहदा बाल नहीं पर सकदा। पाकिस्तान दे ठेकेदार हो, एवें गल्लां नाल ना सारो, कुछ ना कुछ ते कर विखाओ। ठोके ना बस ढोल वजाओ, इस कुर्सी ते जेड़ा आया उन्हें एहो ही रौला पाया। रिश्वत खोरी बंद कर दांगा, गुरबत अगे कंध कर दांगा।
पर ना कोई भी इंज कर सकिया, अपना बोझा ही ना भर सकिया। कोई ते रब्बा इंज दा आवे, जालमा देता ही नत्था पावे। सुन जोगी दी अर्जी मौला, रोज रोज दा मुक्के हम। ऐसा कलाम है, मैं ये समझता हूँ कि, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हमारे हुक्मरान वो हुक्मरान हैं जो आंखें रखने के बावजूद भी अंधे हैं, और कान रखने के बावजूद भी उनकी जो समात है वो काम नहीं करती, वो बहरे हो चुके हैं। नाज़रीन, ये वो शायर हैं जो बहुत बहुत बड़े मुशायरे अपनी जेब में से अरेंज करते, और बहुत बहुत बड़े शायर इधर समंदरी में बुलाकर मुशायरे पढ़ाते उनको, और बहुत पूरे पाकिस्तान में ये खुद मुशायरों पर जाते रहे हैं। हमने इनका शाहाना लाइफस्टाइल देखा है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपने कौन कौन सी सिनफ में गज़लें या नज़में लिखी हैं? पंजाबी दे विच दोड़ा, जिन्हों असी चौमिसरा भी कहने हैं, गज़ल, रुबाई, कथा और नज़म, अफसानचा वगैरह वगैरह, शायरी दियाँ जिन्हिया भी सिनफा ने। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी काम जो है वो उस्ताद के बगैर, मैं समझता हूँ कि नामुकम्मल होता है। कोई भी फील्ड है उसमें उस्ताद का होना वो बहुत ज़रूरी हुआ करता है, तो शायरी में आपके उस्ताद कौन है? शायरी ते विच मेरे जड़े उस्ताद ने, उस्तादा दे उस्ताद ने, समुंदरी शहर दी जीनत ने वो। बल्कि मैं तो इंज कहांगा कि अगर तुहानू अच्छा अदब लिखण वाले लोग मिलणगे तो उन्हां दी फहरिस्त दे विच सारे फहरिस्त मुहम्मद अशरफ शाकर साहब होरां दा नाम होएगा। वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने और बड़े बेहतरीन दोस्त भी ने, उन्हां दी सोबत से मैं लिखना उठना बहना सीखिया। अच्छा सर, हमारे ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन होती है या जो हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है या जो हमारे नौजवान हैं, वो हमारे लिए लिक्विड गोल्ड की अहमियत रखते हैं। तो ये हुकूमत भी जो हमारी अभी पीटीआई की चल रही है, इनको पजीराई भी नौजवानों की वजह से मिली है, तो नौजवानों के लिए कोई सर गज़ल कोई आप प्लीज़ पेश फरमा दें। नौजवानों के लिए या नौजवानों के लिए? वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। जी मैं कब सांचार्ज करांगा, उदे चे सस्पेंस भी है और मेरे वतन अजीज दे हवाले नाल भी है। असी जिदे ते मरने हां, प्यार जिदे नाल करने हां, साडी अख दा तारा जे सानू बहुत प्यारा जे, मैली अख नाल तकन वाला, नीयत खोटी रखन वाला, बन के राणी खान रसाला, जेड़ा सानू दसेगा दुनिया ते ना वसेगा। शारा गोदी वड देंगे, धरती दे विच गड देंगे, जान दी बाजी दिलबर लई ला देवांगे लोड़ जे पई, हर शै करके भी कुर्बान, रख लवांगे ए दी आन, सारी दुनिया दा प्रधान जो कि साडा पाकिस्तान। अच्छा सर, जैसा कि मतलब शायरों की मैं ये समझ रहा हूँ कि ज़िंदगी जो होती है, जो लाइफस्टाइल होता है, वो बड़ा हटके होता है और हालात भी आदमी को शायर बना देते हैं। कोई ऐसी खूबसूरत बात हमारे नाज़रीन से आप शेयर करना चाहेंगे जो आपकी ज़िंदगी की यादगार बात हो, हमारे नाज़रीन तक आप अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़। जी शुक्रिया। एक गल है जी जेडी के मैं थोड़े नाल शेयर करना चाहना वा, जिंदगी का रंगीन वाकया है। बेगम ने सब्जी लैन वास्ते घलिया शादी के इब्तदाई दिन, शायरी का भूत सवार सी। एक गल होर भी करता जावां कि शायरी है जिहड़ी ये कीती नहीं जाती, हो जाती है। वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत। मुख्तसर शायर दोस्त मिल गए, उन्हां च बैठिया बैठिया इन्नी देर गुजर गई कि वक्त का पता ही ना चलिया। रात जदों सोते वेले घर गए हैं, जी बेगम साहब रोटी तो दो सानू, उन्हें फरमाया जी जिथे तुसी गए सी उत्थे नहीं खा के आए तुसी। मैं कहा जी मैं तो नहीं खा के आया, बहरहाल उन्हें कहा जी रात है जिहड़ी भुखे गुजारो, तो रात नहीं भुल रही, भुखिया ही गुजारी क्योंकि पक्का होया कुछ नहीं सी। अच्छा सर, जो मतलब बंदे की जो शाना लाइफ होती है
उसमें बंदा रंगीन नज़में या गज़लें भी लिखता है शायर, तो कोई हमारे नौजवानों के लिए कोई ऐसी गज़ल या नज़म ज़रूर पेश कर। मैं क्या जी एक गल तो दसो, फुल गिरदे ने जद भी हसो, कित्थों सिखिया जे मुस्काना, निम्मा हसना ते शर्माना, तिरछी अख दा तीर चलाना, जे हो सके ते फरमाना, जोबन किस दे नामे लाना। दंदा थले लीड़ा नपके छेती दे नाल खाला टपके आखन लगी तू की लैना, इत्थे रहना के नहीं रहना। मैं क्या जी मैं इत्थे ही रहना, हुण ते पंगा पैणा ही पैणा, पानी पुल नाल कहना ही कहना, प्यार ते आखर करना है ना, दिल दे हथों हरना है ना, वो जाम इश्क दा भरना है ना, कदा रौला रह गया दसो, तीर कमाना इंज ना कसो, कढ़िया इहदा बेहतर हल मैं, गौर करो ते दसां गल मैं, सुफना पैड़ा तकिया कल मैं, तेरे बाज ना जीवा पल मैं, जोगी वर्गा चावन वाला, नखरे नाज उठावन वाला, लभ्या वी नहीं लभना बलिए, जिद ना कर तू आ जा चलिए। सोनी ते मन होनी लड़की, खबरे कौन परौनी लड़की, गंदल वर्गा जुस्सा ओदा, तिले मड़िया खुस्सा ओदा, जग तो वक्खरी ओदी टोर, ओदियां रीसां कर दे मोर, लगे पई ओ छमक छलो, गोल मटोल जई मटकलो, बुलियां लाल गुलाबी यारो, कातल नैन शराबी यारो, नखरे नाज नवाबी यारो, इको ही बस खराबी यारो, साढ़े वालों तकन लग्या, नक ते ऐनक रखन लग्या, मुख तो जुल्फां चकन लग्या, मत्थे सौ वट पाउंदी ए, साडा दिल दिखाउंदी ए। अच्छा सर बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में अदब के लिए बहुत सारे फंड्स भी दिए जाते हैं, आप बकायदा एक तंजीम चला रहे हैं, बल्कि चलाते रहे हैं, तो अब क्या आपको भी कभी फंड आया हुकूमत की जानिब से? हुकूमत दे वल्लों जी किसी किस्म दे फंड्स है जेड़े उस समुंदरी शहर दे अदब वास्ते नहीं पहुंचे किसी दौर च भी। तुहाडी तरह असीं भी सुन रखिया वा कि सरकारी तौर पर जेड़े फंड्स ने वो अदब वास्ते मुख्तस किए जाते हैं, किए जाते होंगे, बाहर हाल साढ़े तक नहीं पहुँचे, अज तक साढ़े शहर से नहीं पहुँचे। अच्छा सर आप जो आला ईवानों में बैठे हैं, मैं जैसा कि हमें पता है हम इस शहर के हैं, तो बहुत सारी तंजीमात ऐसी बनी हैं जो आवाम के लिए फलाह के लिए काम करती हैं, तो अदब के लिए भी कोई ऐसी तंजीम है कि जो अदब जो अदब के साथ जिनका लगाव है हमारे शायर हैं उनके साथ जो तावन करते हों, या कभी आप तक कोई तंजीम वाला पहुंचा? जी नहीं, ये पहले ही हादसा है कि थोड़े नाल मिले हैं, तो तुसी साड़ी गल जड़ी है आला ईवाना तक पहुंचाई है, शुक्र गुजार हाँ मैं थोड़ा। बहरहाल मैं गल करना नहीं चाहता सड़िया मुहब्बत ने एक बार दिल का गुबार है जोड़ा वो हल्का हो गया है। कितने बच्चे हैं सर आपके? चार बच्चे ने मेरे। तो मामला कैसे चल रहे हैं बच्चों के, स्कूल के मामला या दूसरे मामला कैसे चल रहे हैं? बहुत मुश्किल नाल चल रहे हैं जी, हालात साजगार नहीं, मेरी पोजीशन तो देख रहे हो कि सुबह शाम एक काम करके कोई 500-400 रुपए कमा के उहदे चों बच्चों दीआं फीसां की दवांगा, और लंगर पानी का इंतजाम की होएगा, बिजली दे बिल, बच्चों दीआं फीसां, हुण तो यार बस की आखां। नाज़रीन आपने इनका कलाम सुना, बड़ा खूबसूरत ये लिखते हैं, और बहुत सारे मुशायरे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये खुद अरेंज किए हैं इन्होंने, तो मैं जो आला ईवानों में बैठे हैं और खसूसन जो हमारे समुद्री की फलाही तंजीमात हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा खुदारा ऐसे जो हमारे अनमोल हीरे हैं, जो ऐसे गोहर हैं, उनसे उनको ज़ाया होने से बचाएँ और इन तक पहुँचें और इनके मामलात को देखें, ताकि ये अदब के लिए अपनी मजीद खिदमात पेश करते रहें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद ताहिर चुराही को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।